मॉर्निंग स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। टुडे आई विल टीच यू रिलेटिव प्रोनाउन। सो लेट अस सी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे क्या होता है, दो नाम जोड़ता है। हालांकि संबंधवाचक सर्वनाम भी आ गया है, लेकिन क्या है ये प्रोनाउन, क्या होता है दो सेंटेंस को जोड़ता है। देखिए, द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड आल्सो जॉइन सेंटेंस। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये मतलब क्या करता है, नाउन के स्थान पर, ठीक है, नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, विशेषण होता है, और ये क्या करता है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता भी है। अब समझे, जैसे फॉर एग्जांपल द लेडी हु, वो क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है द लेडी। और यहां पर क्या होता है, वी कैन सी मीनिंग ऑफ वो जो होता है, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें कौन आता है, है? लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हु का मतलब होता है जो। द लेडी हु इज इन द पिंक साड़ी, साड़ी इज माय मदर। यानी जो लेडीज हैं, है, जो पिंक साड़ी में, वो क्या है, कौन है, वो मेरी माता जी है। तो यहाँ पर क्या है, हु का मतलब है जो, और इसको दर्शा रहा है, इस लेडी को दर्शा रहा है। अब बस समझे, उसका क्या बोलते हैं, द मिल्क विच इज प्योर। अब यहाँ क्या है, बीच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द मिल्क विच इज प्योर इज यूज्ड फॉर हेल्थ। जो दूध क्या है, जो शुद्ध दूध है वह हेल्थ के लिए, स्वाद के लिए लाभदायक है। अब अगला देखते हैं, बोल देते हैं दिस इज द वाई होम आर लव। अब यहाँ भी बीच का मतलब क्या था, जो था, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, हूम मतलब क्या होता है, किसे, दिस इज द बॉय हूम आर लव। यह लड़का है इसे सब क्या करते हैं, यह लड़का है इसे सब क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है। टेक एनी प्रेम दैट, ये भी क्या है, यहाँ भी हूम था, यहाँ दैट है, दैट नाउन है,
सी स्टूडेंट वंस अगेन दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को पुनः देखो, हूज काउ इज दिस, यह किसकी गाय है, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। अब यहां पर क्या है, आफ्टर दिस वर्ड द नाउन इज एडेड, अगर में क्या होता है, जो गेट टू नाउन के बाद हम नाम बोलते हैं, यानी ये जो प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड है इसके बाद क्या करते हैं, नाउन लगा देते हैं, नाउन ऐड कर देते हैं, क्या आता है, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बी सर डू यू लाइक मोस्ट, याद है क्या है, सर नाउन है, सो इट आल्सो बिकम्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट, डू यू लाइक कौन सा कलर आपको करते हैं, यहाँ भी कलर क्या नाउन है, इसलिए क्या है, इट नोट्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ भी क्या है, दिस पोएट इज योर फेवरेट, ये क्या है, पोएट भी क्या है, आपका नाम है, इसलिए ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, वन सेकेंड सी, हूज काउ इज दिस, व्हिच सर डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हिच पोएट इज योर फेवरेट। तो यहाँ पर जितने भी है, काउ है, कलर है, फोर्क है, शर्ट है, और उसके बाद क्या है, ये सब क्या है, ये सब नाउन है, और इनके साथ जो वर्ड आए हैं, हुज, हुज, व्हाट, व्हिच, तो ये सब क्या हो गए आपके, ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। पहले क्या थे, पहले जब मैंने बताया आपको ये इंट्रोगेटिव नाउन थे, लेकिन अब जब नाउन के साथ आ गए तो क्या हो गए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। So student, your this topic has been finished. In next topic, I will teach you interrogative pronoun. Thank you for watching.